मैं डॉक्टर राजेश आर्य, सह आचार्य इतिहास राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा इस भूराजस्व व्यवस्था को लागू किया गया। बंगाल की लगान व्यवस्था को सुधारना लॉर्ड कार्नवालिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उसने लगान संबंधी दोषों को दूर करने के उद्देश्य से एक नवीन व्यवस्था जो बंगाल में प्रचलित की गई की थी, उसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस से पहले 1765 में बंगाल, बिहार और अवध के दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए थे। नवाब तथा अंग्रेजों के दोहरे शासन के कारण कृषकों की दशा दयनीय हो गई थी। तत्पश्चात वारेन हेस्टिंग्स ने एक नवीन भूराजस्व व्यवस्था वहां लागू की। इस भूराजस्व व्यवस्था के तहत भूमि को 5 वर्ष के लिए ठेके पर नीलाम किया जाता था, किंतु यह भूराजस्व व्यवस्था असफल रही। जमींदार अधिक बोली लगाकर भूमि पर अपना अधिकार बनाए रखते थे तथा कृषकों का शोषण करते थे। इसलिए कार्नवालिस ने भूराजस्व के इन दोषों को दूर करने का प्रयास किया। वह कंपनी और किसानों की दशा को सुधारना चाहता था और इसी उद्देश्य को लेकर उसने ये नवीन भूराजस्व व्यवस्था यहाँ प्रचलित की थी। कार्नवालिस के द्वारा यह जो भूराजस्व प्रणाली थी, इसे 22 मार्च 1793 को लागू किया। इस व्यवस्था के अनुसार पर्याप्त जांच पड़ताल के बाद जमींदारों से भूमि किराए का 90% भाग भूराजस्व लेना निश्चित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूर्व घोषित नीति के अनुसार केवल भूराजस्व लेने का अधिकार बनाए रखा, जिसके बदले प्रशासन द्वारा जमींदारों और किसानों को सुरक्षा प्रदान की गई। स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के कारण या उद्देश्यों की हम बात करें तो इस भूराजस्व व्यवस्था के तहत कंपनी के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो अंग्रेज समर्थक जमींदार वर्ग स्थापित करना चाहती थी। दूसरा उद्देश्य था सरकार अपने लिए सुनिश्चित व सरल तरीके से लगान अर्जित करना चाहती थी। तीसरा इस व्यवस्था का कारण था, कार्नवालिस इंग्लैंड का जमींदार था, इस कारण वह इंग्लैंड की सी व्यवस्था बंगाल में स्थापित करना चाहता था। वह इस भूराजस्व प्रणाली से बहुत प्रभावित था। स्थायी बंदोबस्त के गुणों की यदि हम बात करें, इस व्यवस्था से 3 पक्ष संबद्ध थे, कंपनी, जमींदार और किसान। कंपनी के हितों के संरक्षण की यदि हम बात करें तो इस व्यवस्था से कंपनी को बहुत फायदा हुआ। कंपनी को बार बार लगान निर्धारण की जो परेशानियां थी, उससे इस व्यवस्था के तहत मुक्ति मिली, क्योंकि बार बार लगान निर्धारित करने में कंपनी को बहुत पैसा बर्बाद करना पड़ता था। अब इस व्यवस्था के तहत कंपनी को लगान से प्राप्त होने वाली निश्चित आय का ज्ञान हो गया। जब कंपनी को अपनी निश्चित आय के संदर्भ में जानकारी मिल गई तो कंपनी और आर्थिक योजनाएं बनाने लगी। कंपनी का ध्यान अपनी अन्य जो प्रशासनिक समस्याएं थी उनके समाधान में लगा, जिससे कंपनी की कार्यकुशलता बढ़ी। इस व्यवस्था से कंपनी की लोकप्रियता जो थी उसमें भी वृद्धि हुई। बंगाल में जमींदारों का
एक ऐसा वर्ग बन गया जो कंपनी का अत्यधिक स्वामी भक्त था, और इसकी स्वामी भक्ति का परिचय हमें 1857 के विद्रोह में मिलता है, जिसमें उसने कंपनी और सरकार का पूरा साथ दिया था। इस व्यवस्था से जमींदारों को क्या लाभ हुआ, इसके संदर्भ में हम बात करें तो हम पाते हैं कृषि भूमि के स्थायी स्वामी जो है वो जमींदार बन गए। अब निश्चित रूप से लगान देते रहने पर उनको कृषि भूमि से बेदखल होने का डर नहीं रहा। इसके कारण उन्होंने कृषि की उन्नति का प्रयास किया। उन्होंने कृषि के नए ढंग जो थे वो विकसित किए। कृषि में उर्वरकों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, जिससे फसलों में वृद्धि हुई और जमींदार समृद्धिशाली बना। इस व्यवस्था में जमींदारों को पूर्ण रूप से यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे अपनी कृषि भूमि को बेच भी सकते थे और अन्य जमींदार की कृषि भूमि को खरीद भी सकते थे। जमींदारों ने इस भू राजस्व व्यवस्था के तहत कृषि भूमि में अधिक रुचि लेने लगे। एक निर्धारित भू राजस्व देने के बदले जमींदारों और किसानों को सरकार की ओर से जानमाल की सुरक्षा प्रदान की गई। भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य करों की अदायगी के दायित्व से कृषकों को मुक्त रखा गया। इस व्यवस्था से कृषकों को क्या लाभ हुआ, इसके संदर्भ में हम बात करें तो हम पाते हैं स्थायी बंदोबस्त से कृषकों को थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हुआ। पूर्व में प्रचलित जो भू राजस्व व्यवस्थाएँ थी उनमें भू राजस्व निरंतर बढ़ता रहता था, साथ ही कंपनी के जो कर्मचारी थे वे क्रूरता से भू राजस्व वसूल करते थे, तो उससे इस व्यवस्था के तहत कुछ मुक्ति मिली। भू राजस्व की दूषित प्रणालियों के कारण जो काफ़ी भूमि बंजर हो गई थी वो इस व्यवस्था के तहत कृषि योग्य बन गई, जिससे किसानों को कुछ लाभ हुआ। इस व्यवस्था के संदर्भ में अनेक बुद्धिजीवियों ने टिप्पणी की है, जिसे कि मार्क्समैन ने कहा है, इसकी बहुत प्रशंसा की है मार्क्समैन ने, और वो लिखते हैं कि यह है कि निर्भीकता, वीरता और बुद्धिमत्ता की योजना थी। प्रोफेसर आरसी दत्त ने इसके संदर्भ में कहा है कि लॉर्ड कार्नवालिस की 1793 की स्थायी भू राजस्व प्रणाली ब्रिटिश राष्ट्र द्वारा भारत में क्रियान्वित सबसे बुद्धिमत्ता और सर्वाधिक सफल योजना थी। पी रॉबर्ट्स ने इसके संदर्भ में कहा है स्थायी भूमि व्यवस्था ने ब्रिटिश शासन को स्थायित्व और लोकप्रियता प्रदान की, प्रांत को सबसे अधिक समृद्धिशाली बनाने में सहायता प्राप्त हुई। आज बस इतना ही। थैंक्स।